इंडियन आइडल 12 फैम पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की जोड़ी हमेशा से ही हेडलाइंस में छाई रहती है। मतलब इंडियन आइडल 12 खत्म हुए महीनों बीत चुके हैं, पर इनकी पॉपुलैरिटी कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल ये जोड़ी लीगल केस की वजह से सुर्खियों में है। क्या कुछ है, आइए बात करते हैं इसी के ऊपर इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड झमेला। अपनी आवाज और प्यार से हर किसी का मन मोह लेने वाले अरुदीप एक कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। दोनों पर एग्रीमेंट के बाद म्यूजिक एल्बम शूट और उसे प्रमोट ना करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये म्यूजिक वीडियोस ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के थे, जिसके लिए ऑक्टोपस की तरफ से सोनी टीवी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत पवन और अरुणिता को एल्बम के लिए कुल 20 गानों की शूटिंग करनी थी, पर बाद में उन्होंने एक गाने को शूट करने से इनकार कर दिया। सोनी टेलीविजन ने कमिटमेंट उस समय दिया था जब अरुदीप आइडल में थे, तब तक इंडियन आइडल के विनर की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। अरुदीप को लेकर इस एग्रीमेंट की प्रेस अनाउंसमेंट पर अच्छी खासी रकम भी खर्च की गई थी। पैसा, समय और कमिटमेंट देने के बावजूद अरुदीप ने गाने की शूटिंग रोक दी, तो वहीं सोनी टीवी ने इस पूरे मामले पर किसी भी तरह के एक्शन लेने की खबर से इनकार कर दिया है। इसके अलावा मामले पर अब तक पवन और अरुणिता का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। बता दें कि इन दिनों अरुणिता और पवनदीप यूएस में गाने की शूटिंग में बिजी हैं, जहां से वो फैंस के लिए वीडियोज और तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। अब देखना ये होगा कि वो आगे इस टॉपिक पर क्या कहते हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ।